नमस्कार, सेवना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आई नजर डालते हैं हमारी खास खबर पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। इसमें चुनाव के दौरान संभवित अनियमितताओं की शिकायत है। वहीं मतगणना के दौरान एहतियात बरते जाने की भी मांग शामिल है। कांग्रेस नेता जेपी धनोतिया ने जानकारी दी है कि भोपाल स्थित स्ट्रांग रूम में बिजली गुल कर षड्यंत्र होने की संभावना है, क्योंकि बिजली विभाग ने 30 नवंबर को किसी भी प्रकार की विद्युत कटौती से मना किया है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग की लिंक उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने पूछा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी ईवीएम मशीनें खराब होने पर बदली गई हैं। कांग्रेस ने ये भी पूछा है कि मतदान प्रतिशत की जानकारी एक ही दिन में वेबसाइट से क्यों हटा ली गई। धनोतिया ने शिकायत के माध्यम से बताया है कि भोपाल, खुरई, सतना, अनूपपुर, रायसेन और खरगोन के चुनाव अधिकारियों ने ड्यूटी में लापरवाही की है। उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल भी उठाया गया है कि सागर के कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने भाजपा प्रत्याशी और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के पक्ष में कार्य किया। उन्होंने ईवीएम मशीनों में भी हेरा फेरी की है। सागर जिले के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने उन पर अविश्वास जताया, फिर भी उन्हें अलग नहीं किया गया। मांग की गई है कि आलोक सिंह को मतगणना कार्य से अलग किया जाए। एक खास मांग कांग्रेस ने यह भी की कि मतगणना के दौरान प्रत्येक चक्र के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि प्रत्याशी और पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाए जाने की आशंकाएं खत्म की जा सकें। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग की नीति और नियत निश्चित से स्पष्ट नहीं रही है, कोई पारदर्शिता नहीं रही है। जिस काम की शिकायत की गई है उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिलता है। भोपाल के अंदर आज 5 दिन हो गए, 1.5 घंटे लाइट रही, षड्यंत्र करके बंद किया गया, कैमरे की रिकॉर्ड बंद किया, क्या हुआ आज तक नहीं बताया गया है। खुरई के अंदर कलेक्टर ने जो भी बेईमानी की है बिना रजिस्ट्रेशन बुक के मशीन के उसके दिखा गया है, वो आज तक नहीं किया गया है। हमारी कई शिकायतें ऐसी हैं जिनका कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे जाता है। आज कल घटनाक्रम हुआ पीएचक्यू भोपाल के अंदर, लाभार्थ पड़ा हुआ डाक मतपत्र, क्या पर्पज होता है चुनाव प्रक्रिया का, उसके बारे में हमने सीडी दी है, जांच की मांग की है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि जवाब भी नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग जवाब भी नहीं देता है कि क्या करना चाहिए। और हमें मजबूर होकर आज इस बात के लिए बात होना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि निष्पक्षता पर हमें संदेह है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं जो बात की वो सारी बातें यही है कि हमारे को बीपीटी के बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, हमारे को जो मशीनें खराब हुई उसकी नहीं दी जा रही है, डाक पत्र किस जिले में कितने दिए गए हैं उसका विवरण नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर जो मशीनें खराब होने के बाद में उनको आज भी ये नहीं कहा जा रहा है कितनी मशीनें वापस है। तो सारी चीजों में लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। लग रहा है कि मतपत्र टाइम से नहीं पहुंचेंगे या उनमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई जगह से खबरें आ रही थी कि डब्बे खुल नहीं रहे हैं, ये मतपत्र पहुंचेंगे नहीं, मतपत्र वहाँ के चुनाव के जो लोग हैं तहसीलदार नायब तहसीलदार उन पे लोगों का वो था कि वहाँ लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये सब बातों का निराकरण करने के लिए हमने यहाँ चंडीगढ़पुर जी जो थे उनसे मिले हैं। उनका ये कहना है कि 10 तारीख के शाम तक के जितने भी आएंगे हम उसको 11 के सुबह 8 बजे से पहले पहुंचाएंगे और उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं कि आखिरी दम तक जितने मतपत्र आ जाएँ वो पहुंचें, क्योंकि एक एक मत इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक नागरिक के द्वारा दिया हुआ मत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वही चीज़ हम कंफर्म करने आए थे और यहाँ जो उनने बताया है मैं समझता हूँ कि वो ठीक व्यवस्था है। सर, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया। चुनाव आयोग से हमने कहा है कि ये जो भी जो जहाँ जहाँ शंका है उस शंका का निराकरण करें चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग का काम ही ये है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो, निष्पक्ष चुनाव हो। हम केवल चुनाव निष्पक्ष और गिनती निष्पक्ष चाहते हैं, उसके मामलों को लेकर हमने उनको ज्ञापन दिए। जैसे कल सर आश्वासन क्या दिया गया है आपको? उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ का जवाब आपको बहुत जल्दी दे देंगे। कैमरामैन आदर्श साहू के साथ अर्पित शर्मा की रिपोर्ट।